माशाल्लाह सुबहानल्लाह दोस्तों, शहाब भाई का वीजा कंप्लीट होने के बाद शहाब भाई पैदल हज का सफ़र शुरू कर चुके हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला शहाब भाई के इस सफ़र को कामयाब करे और आपके सफ़र में जो भी मुश्किलात आए उन्हें आसान फरमाए। आमीन सुमा आमीन कमेंट में लिखें। दोस्तों मैंने बहुत से लोगों के वीडियोस देखे थे, कुछ लोग कह रहे थे शहाब भाई को वीजा नहीं मिलेगा और वो वापस घर चले जाएंगे। कोई कुछ तो कोई कुछ कह रहा था, लेकिन दोस्तों शहाब भाई ने सभी को दिखा दिया है कि सच्चे मन से और पूरी तैयारी से वे चले हैं। कुछ जानकारियां आ रही हैं कि सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान ने शहाब भाई को वीजा तो दिया, लेकिन पाकिस्तान ने पैदल अपने देश में शहाब भाई को नहीं चलने दिया। बताया जा रहा है कि शहाब भाई को पाकिस्तान ने किसी और माध्यम से जल्दी से अपना देश क्रॉस करा दिया, जिससे कि शहाब भाई बहुत जल्द पाकिस्तान से दूसरे देश यानी ईरान पहुंच गए। अब पता नहीं क्या बजा रही कि पाकिस्तान ने शहाब भाई को पैदल नहीं चलने दिया और बताया जा रहा है कि शहाब भाई ईरान में हैं। अल्लाह तबारक व तआला शहाब भाई के सफ़र को आसान बनाए और उनकी मुश्किलों को दूर फरमाए। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों वैसे तो शहाब भाई का अपनी ये मानना था कि मैं पैदल ही इस हज के सफ़र को करूंगा, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने शहाब भाई को पैदल देश में नहीं चलने दिया। शहाब भाई की ये तो मजबूरी रही होगी कि पाकिस्तान ने किसी और माध्यम से शहाब भाई को जल्दी से अपने देश यानी पाकिस्तान से क्रॉस करा दिया और ईरान पहुंचा दिया है। दोस्तों शहाब भाई वैसे तो किसी चीज़ के माध्यम से नहीं जाना चाह रहे होंगे, इसीलिए दोस्तों बहुत जल्द शहाब भाई अब ईरान पहुंच गए हैं। मुबारक मरहबा मक्का मदीना देखने वाले, मुबारक मरहबा मक्का मदीना देखने वाले, ज़मीं पर अर्श की मंजिल का जीना देखने वाले, सितारा तेरी किस्मत का सरिया से भी ऊंचा है। ऐ शहाब भाई सितारा तेरी किस्मत का सरिया से भी ऊंचा है, जमाले गुंबद खजरा का जलवा देखने वाले, क्योंकि वो प्यासों का हुजूमे आशिकाना कैफ का आलम, वो प्यासों का हुजूमे आशिकाना कैफ का आलम, वो पैमानों में जमजम का छलकना देखने वाले, वो पैमानों में जमजम का छलकना देखने वाले, तवाफे काबा की मस्ती सफा मरवा के मंजर में, तवाफे काबा की मस्ती सफा मरवा के मंजर में, शराबे मारफत का जाम मीना देखने वाले। इस शेर का मतलब है कि जहाँ पर शहाब भाई जा रहे हैं वहाँ पर फरिश्ते पर बिछाते हैं, तो इसलिए ये शेर कहा गया है कि फरिश्ते पर बिछाते हैं जहाँ तेरे कदम पहुँचेंगे, खुदा का घर रसूले हक का रोज़ा देखने वाले, खुदा का घर रसूले हक का रोज़ा देखने वाले।